नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजवाला व्लॉग्स चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के लड्डू। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसको अच्छे से उबाल लेते हैं। ये देखिए दूध हमारा अच्छे से उबल चुका है। इसको अब उबालते उबालते इसका हम आधा कर लेंगे। जब तक इसको लगातार चलाते हुए कीजिए, जब तक दूध आधा नहीं हो जाता तब तक आप चलाते रहिए। ये देखिए उबल उबल के दूध हमारा आधा हो चुका है, इतना गाढ़ा भी हो चुका है ये देखिए। और इसके अंदर डाल देंगे हम छोटी 1 कटोरी चीनी और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारी चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। देखिए आप लगातार इसको चलाते रहिए, हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। और इसके अंदर डाल देंगे कसा हुआ नारियल जो 500 ग्राम है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे लगातार चलाते हुए। बीच में इसको हम छोड़ नहीं सकते, लगातार चलाते ही रहना है इसको। ये देखिए लगातार चलाते हमारा ये अच्छे से पक चुका है। ये देखिए ये हमारा अच्छे से पक चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच घी और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। लगातार इसको चलाइए एक बार थोड़ा ठंडा करने के लिए, फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। ये देखिए ये अच्छे से ठंडा करने के बाद फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। हाथ में हम थोड़ा सा घी लगा के हाथों को चिकना कर लेते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ये लेके हाथ में इसको अच्छे से, ज्यादा गर्म भी नहीं करना हाथ जल जाएंगे, बस हल्का निवाया करें तभी इसके लड्डू बना लीजिए। ये देखिए गोल गोल लड्डू बना के रख लीजिए। आप छोटे या बड़े आप कैसे भी बना सकते हो। ये देखिए इसी तरह हम सारे बना के रख लेते हैं। ये देखिए हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। आप ये लड्डू कभी भी खा सकते हैं, इनको बना के आप रख लीजिए 15 दिन के लिए, आप 15 दिन तक खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।